सो मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स, सीबीएसई के फाइनल 10th वाले बच्चों की तो मौत शुरू हो गई है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स के पेपर खत्म हो चुके हैं और कुछ बच्चों की तो कंप्यूटर होती भी नहीं है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो बस चिल करो यार, बहुत टाइम है अभी। 11th में शुरू करेंगे, बता दूंगा कब शुरू करना है, पूरा रोड मैप दूंगा 11th क्लास का, बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। अभी फिलहाल चिल करो, और जिन बच्चों के कंप्यूटर बचे हुए हैं वो कंप्यूटर प्रिपेयर कर लो, बस 11 तारीख तो वो भी फाइनलाइज हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इस बार तो इलेक्शंस भी हैं और हर जगह ये लिख के आ रहा है कि इलेक्शंस की वजह से रिजल्ट पहले होगा, इलेक्शन की वजह से रिजल्ट पहले आएंगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो लोग एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं उनमें से कुछ लोगों की ड्यूटी इलेक्शंस में लगती है, ये बात श्योर है। तो इसका मतलब ये है कि सीबीएसई के जल्दी रिजल्ट देगी। तो देखो, ये सारा सिनेरियो मैं पहले ही बता दूं कि भाई कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कॉपी को एक दिन में चेक कर दिया जाए अच्छे से और रिजल्ट जल्दी आ जाए। दूसरी चीज ये कि सीबीएसई ने ऑलरेडी कह दिया है कि अब एक दिन में 20 से 25 कॉपियां ही चेक होंगी, तो कहीं ना कहीं डिले होगा रिजल्ट में। लेकिन कितना डिले होगा, तो मैं नॉर्मली देखो इसको डिले नहीं कहते, एक प्रोसेस का टाइम होता है, उस टाइम के प्रोसेस में ही चीजें होंगी। और रिजल्ट कब आएगा ये भी बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज तुम्हारे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो रिजल्ट एग्जाम है वो बेसिकली ऐसा मान के चलो कि मई मार्च के लास्ट तक खत्म हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 45 डेज, यस कितने डेज, 45 डेज जो है ना, 45 डेज ये कॉपी चेकिंग में लगते ही लगते हैं। तो मान के चलो कि जो तुम्हारा रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं मई के सेकेंड वीक में आने के चांसेस हैं। कब आने के चांसेस है, मई के सेकेंड वीक में, इसी के आसपास आ जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 12th का पहले आता है और 10th का बाद में, बहुत बार ऐसा होता है कि 10th का क्या होगा पहले आएगा और 12th का बाद में, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि 12th का पहले दे देंगे या 10th का बाद में देंगे, एक दो दिन या एक हफ्ते के गैप पे होता है, या कभी कभी दोनों साथ में भी आ जाते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने टाइम पर आएगा, याद रखना मई के सेकेंड वीक में। सो जस्ट चिल और थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहो ताकि आगे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अब बारी आती है सरप्राइज की। तो सरप्राइज के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं भाई कि तुम लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किए गए, यस वो भी 1-to-1 फ्री काउंसलिंग सेशन वीडियो कॉलिंग के थ्रू, यानी हमारी जूम मीटिंग के थ्रू। और उसमें आपको बेसिकली आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किस करियर को परस्यू करोगे, यानी 11th में कौन सी स्ट्रीम लोगे, तो कौन कौन से करियर में अपनी चांसेस आपको मिल सकते हैं, ये पूरा चीजें क्लियर की जाएंगी। तो मेक श्योर, इसके लिए छोटा सा गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो फिलअप कर देना, और इसका एक सिंगल रुपीज भी कोई चार्ज नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 10 से 15 मिनट्स का सेशन होने वाला है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ग्रुप में दिया जाएगा, इंडिविजुअल आपको दिया जाएगा ताकि आप एग्जैक्टली उस चीज को समझ पाओ, अपनी क्वेरीज को दूर कर पाओ। तो फ्री काउंसलिंग सेशन है स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, और किस स्ट्रीम से क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, किस बारे में आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ये सारा कुछ आपको समझाया जाएगा इस फ्री काउंसलिंग सेशन में। तो मेक श्योर फॉर्म जरूर भरना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट फॉर्म भी फ्री है, काउंसलिंग भी पूरी तरह से फ्री है। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाओ और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 100 लोगों को ही 1-to-1 काउंसलिंग दी जाएगी। तो मेक श्योर ये फॉर्म जरूर फिल करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, और प्लस आपको कमेंट के फर्स्ट कमेंट में पिन भी मिल जाएगा। मीनवाइल अगर इससे कोई नॉलेज चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो आप मेरे सीधा इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यस, फ्री काउंसलिंग सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पे चले जाना, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, इंस्टाग्राम पे जाना, फॉलो कर लेना, और फॉलो करके सीधा डीएम कर देना फ्री काउंसलिंग, क्या मैसेज करोगे, फ्री काउंसलिंग का मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें इसकी अपडेट चाहिए, मैं पूरा अपडेट तुम्हें वहां पर दे दूंगा, ठीक है। मीनवाइल रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, कॉपी चेकर से और सीबीएसई के कुछ पर्सनल ऑफिसियल से मेरी बात हुई है, रिजल्ट इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छा आने वाला है। जो बच्चे एक दो मार्क्स से फेल होने के सोच रहे ना कि एक दो मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा तो पास हो जाऊंगा, भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले टेंशन आगे की करियर की टेंशन लो, कैसे काउंसलिंग लेनी है वो सारा कुछ आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मीनवाइल सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप कर लो, गुड लक।